राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों में जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये दस्तावेज सौंपे थे तो वो भारत के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की एक नई जमीन भी तैयार कर रहे थे। पिछले साल 2 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई में बने पैनल ने राष्ट्रपति को 18,626 पन्नों की जो रिपोर्ट सौंपी उसमें साफ लिखा है कि संविधान संशोधन के पहले चरण में लोकसभा और सभी विधानसभा चुनाव एक साथ हों, इसके लिए राज्यों से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। संविधान संशोधन के दूसरे चरण में लोकसभा विधानसभा के साथ स्थानीय निकाय चुनाव हों, ये चुनाव लोकसभा विधानसभा के चुनाव के 100 दिन के अंदर हों। इनमें अनुच्छेद 324A में संशोधन की जरूरत है जिसके लिए कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी की जरूरत होगी। कोविंद कमेटी की यह भी सिफारिश है कि 3 स्तरीय चुनाव के लिए एक मतदाता सूची फोटो पहचान पत्र जरूरी होगा, इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 325 में संशोधन की जरूरत होगी जिसमें कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी चाहिए। साथ ही मध्यावधि चुनाव के बाद गठित होने वाली लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल उतना ही होगा जितना लोकसभा का बचा हुआ कार्यकाल रहेगा। इसके लिए कोविंद कमेटी ने 47 राजनीतिक दलों से राय मशविरा किया जिनमें 32 दल तो एक साथ सारे चुनावों के पक्ष में हैं, लेकिन कांग्रेस और टीएमसी समेत 15 राजनीतिक दल इससे सहमत नहीं हैं। अब सवाल उठता है कि एक देश एक चुनाव जैसी स्थिति क्यों आई, आखिर इससे क्या फायदे हो सकते हैं जिनके लिए इतनी कवायदें की गईं? हर साल देश में औसतन 5 से 6 चुनाव होते हैं जबकि स्थानीय निकाय चुनाव इनसे अलग हैं। चुनाव पर सरकार का खर्च बहुत अधिक होता है, साथ ही राजनीतिक दलों का भी बहुत ज्यादा खर्च होता है। अलग अलग चुनाव से अस्थिरता और अनिश्चितता की स्थिति होती है, सप्लाई चेन, निवेश और आर्थिक विकास में बाधा आती है, सरकारी मशीनरी के काम में भी अक्सर रुकावट आती है, सरकारी व्यवस्था में बाधा से लोगों की तकलीफ बढ़ जाती है, सरकारी अधिकारी सुरक्षा बल बार बार चुनाव ड्यूटी में अपनी ऊर्जा लगाते हैं, अक्सर चुनाव संहिता से नीति निर्माण में भी बाधा पड़ती है, अक्सर आचार संहिता से विकास के काम रुकते हैं। इतने चुनाव मतदाताओं को भी थका देते हैं और उनका ज्यादातर समय चुनावी मोड में ही गुजर जाता है। एक तो भारत में चुनाव ऐसे ही बहुत महंगे हो गए हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के मुताबिक उस चुनाव में 55,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लिहाजा जानकार मानते हैं कि चुनाव के फैले हुए दायरे को समेटा जाए। देखो, पहले 11 साल साइमल्टेनियस इलेक्शन ही होते थे, बिल्कुल ठीक बात है, हिस्टोरिकली करेक्ट है, लेकिन 11वें साल में क्या हुआ वो भी तो हिस्ट्री है कि 11वें साल में एक से सरकार तोड़ दी गई, तो सरकारें फिर भी गिरेंगी, सरकारें फिर भी टूटेंगी। अब लेकिन उसका क्या समाधान है कि भाई फिक्स टर्म दी जाएगी तो उसका क्या इम्प्लीकेशन है कि भाई वहां मेजोरिटी कम हो गई लेकिन टर्म फिक्स्ड है। हाउ कैन देयर बी द फिक्स्ड टर्म जब अगर सरकार की मेजोरिटी किसी जगह कम हो जाए, आधी रह जाए, लोग पार्टियां इधर से उधर छोड़ के चले जाए तो उस फिक्स टर्म का क्या होगा, वो फिक्स कैसे चलेगी? तो ये सब अभी क्या आंसर ढूंढे इन्होंने वो पढ़ने से पता लगेगा। आजादी के बाद 1952 से 1967 के चौथे आम चुनाव तक केंद्र और राज्यों के चुनाव साथ साथ ही होते रहे, लेकिन बाद में राज्य सरकारों के गिरने या भंग होने से ये लय बिगड़ गई। फिर गठबंधन सरकारों के दौर में बार बार मतदाताओं की चौखट पर चुनावी शोर बढ़ने लगा। अब कोविंद कमेटी की रिपोर्ट से ये उम्मीद की जा रही है कि एक देश एक चुनाव लोकतंत्र को आसानी से आगे बढ़ाने का जरिया बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।